हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरी हवेली छान मारे, बच्चों का कहीं कुछ आता पता नहीं है। इसका मतलब है सर, उसने हमें जानबूझ के फंसाया इस फंक्शन के बहाने। हाँ, किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं, चारों तरफ से तार और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। मेरा में से एक की तो मौत हो गई, बचे 12। जो भी ये गेम खेल रहा है ना, वो इन 12 लोगों में से ही है। ये क्या कर दिया तुमने? अब तेरी बारी। निकल, चल, होश में आओ, निकल, निकल। छोड़ो मत, छोड़ो मत इसे भी। इन दोनों को खुला मत छोड़ना। पता नहीं और कितने लोगों पर हमला करेंगे ये लोग। अभी तो सिर्फ 2 लोग मरे हैं। देखते जाओ, यहाँ पे मौजूद एक-एक लोग कैसे मरेंगे। चुप, चुप। इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करो। संभालिए। फांसी की सजा मैं नहीं, कानून देगा उसे। और मेरे ऑफिसर ने जुर्म किया तो उसे सजा जरूर होगी। झूठ बोल दिया, झूठ। आप अपने ऑफिसर को कभी सजा नहीं देंगे, कभी नहीं। पहले मेरे पति की जान गई और अब तुम्हारे। अगर अगर हम लोग कुछ और देर यहाँ रहे ना, तो हम सबकी लाशें ही यहाँ से बाहर जाएंगी। चलो जल्दी यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ, जरा समझने की कोशिश करो। समझने से क्या होगा, आप लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं है, ये मौत का खेल है। कोई हम सबके साथ मौत का खेल खेलना चाहता है, हमारी जान के पीछे पड़ा है। समझते नहीं हो आप लोग? सब चेतना और मंगर भी, पर सब इन दोनों पे तो हमें शक था। वही तो, इन दोनों को किसने मारा? बस इस आदमी के सीने पर चाकू का घाव है, चाकू से मौत हुई इसकी। आदमी ने टमाटो का जूस पिया। टमाटो का जूस? और इसने भी टमाटर का रस पिया। टमाटो का जूस, ये क्या? ये देखो बॉस, इसके कमर बंद में एक चिट्ठी है। एसीपी साहब, कहीं जाइएगा मत, आपके लिए अंदर और एक बड़ा सरप्राइज है। सॉरी एसीपी साहब, इस बार आपकी बारी। अबे तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या बेवकूफी आई है? बेवकूफी नहीं, असलियत है। ये गन, एसीपी साहब की गन तुम्हारे पास कहां से आई? चिट्ठी के साथ मिली, और उस चिट्ठी में लिखा था एसीपी प्रत्युमन का अंत उनकी अपनी पिस्तौल से होना चाहिए, वरना वरना मेरी शीला जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज अबे, प्लीज अबे, गोली मत चलाना, प्लीज, प्लीज नहीं अबे। देखो अबे, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास रखो, हम तुम्हारी शीला को कुछ नहीं होने देंगे। तुम लोगों के होते हुए यहाँ पर 2 जान जा चुकी है, मैं अपनी शीला को कुछ नहीं होने दूंगा।
कुछ नहीं होने दूंगा। अबे बेवकूफी मत करो, गन मुझे वापस दो। नहीं एसीपी साहब, रुक जाइए, लाओ भाई, आगे बताना। अबे सर, छोटी सी खड़ा सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती होगी सर। दया वाकई इस बेचारे अभी की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो उसे सर, छोड़ दो दया, छोड़ दो उसे। ये लोग यहाँ कहाँ आ गए? दोनों गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। सुबह से फोन बंद कर रखा है। सीआईडी ऑफिसर्स ऐश कर रहे हैं अंदर। तुम्हारी तो बड़ी अजीब बात, इस पूरे किचन में ना कोई अनाज है ना कोई खाने की चीज है, तो सिर्फ ये टोमेटो का जूस। लेकिन बॉस ये टमाटर का जूस भी बड़ी फायदे की चीज है, इसे कम मत समझो। इसमें विटामिन के साथ साथ ऐसे ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिनसे इंसान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको पीने से आदमी की बेचैनी भी रुकती है। क्या कहा तुमने सरों के? टोमेटो का जूस पीने से आदमी की बेचैनी कम होती है? हाँ बस, आदमी की बेचैनी कम होती है। ओ, अब समझ में आया सर उनके, अब समझ में आया कि मंगेर और चेतना के मुंह पर टोमेटो जूस क्यों था। जरूर उस मांस वाले ने उन पर ये टोमेटो जूस का टेस्ट करके देखा, ये देखने के लिए कि उनकी बेचैनी रुकती है या नहीं। उसे काम करे क्या, निखिल और फ्रेडी को हम भी एक टमाटर का जूस पिला के देखें, शायद उनकी ड्रग का असर कम हो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या सर उनके? हुनी जो कोई भी है, हमारी हर हरकत पर नजर कैसे रखे हुए? लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
मेरी ताकत का अंदाजा नहीं तुम लोगों को। एक बार होश में आ जाओगे ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुमने किया क्या है। बड़े सीधे बच्चे पे क्या रूप दिखाता है, हिम्मत है तो मुझसे पंगा ले। पकड़ो इसे जोर से, तरस पूर्वी पकड़ो, खोलो इसका, ये पूरा टमाटर का जूस इसको पीना जाना चाहिए। खोलो खोल, एक मिनट मुखोलो चुप। गार्डन में थे, यहाँ कैसे आ गए? गार्डन में काफी धुंधला था और धुंध भी थी। उस धुंध में ही वो जहरीली ड्रग मिली हुई थी जिसकी वजह से तुम लोग जानवरों जैसा बर्ताव करने लग गए। हाँ? क्या सोच रहे बॉस? अरे बता तो सही, क्या देख रहा है? तुझे क्या लेना देना, गलती तो मैंने की ना, तुम्हें हमारे साथ लाकर। मतलब ये कि जब भी तू हमारे साथ आया तूने मुसीबत खड़ी की है। मतलब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या? क्या बात कर रहे हो यार है? अरे मैं नहीं होता ना तो सीआईडी नहीं होती। अच्छा सीआईडी नहीं होती तेरे बगैर, हम लोग क्या करते हैं फिर? क्या करते हो तुम, आते हो ना मेरी लैब में पूछने के लिए? हाँ साधु के बता क्या हुआ, हाँ साधु के बता क्या मिला, क्यों करते हो फिर तुम? अबे ये बात है तो बता ना, यहाँ पर क्या हुआ है वो बता। अच्छा मैं बता? और नहीं तो कौन? फिर तुम क्या कर रहे हो यार? तू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो बता। अरे बड़ी बड़ी बातें तो मैं करूंगा ही, तुम क्या कर रहे हो? इस हवेली में दो दो खून हो गए, खूनी इस हवेली में छुपा बैठा है और तुम और तुम्हारे ऑफिसर क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे इधर से उधर घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हो तुम, खुद क्या कर रहे हो यार? हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो अभिजीत? मुजरिम हमारे एक एक हरकत पे नजर रखे हुए हैं। तो मतलब इस महल में एक एक कमरे में एक एक पैसेज में कैमरे के साथ साथ स्पीकर भी लगा हुआ है। एसीपी साहब और डॉक्टर सालों के आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अभिजीत, ओह नो, अभिजीत, रद्दू मान, तू पागल हो गया तू? रुक जा, रुक नहीं तो फेंक के मारूंगा तू। एसीपी बनने लायक नहीं तू, चमचा है। सचिन कुछ करो ना, एसीपी साहब सालों के सर को कुछ तो समझाओ। एक नंबर का चमचा है तू चित्रलेखा, धोखा देने वाला है तू। एसीपी साहब और सालुन के साहब को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। अभिजीत सर होते या फिर दया सर तो शायद कुछ कर पाते। तू धोखा देगा सीआईडी? मैं धोखा दूंगा?
पे तो कैमरा है। अभिजीत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभिजीत 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 सुनो, अरे कहाँ जा रही है उस तरफ? जल्दी अपना मुंह बंद रखो, चलो जल्दी। पूर्वी क्या भाई? पूर्वी 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 कहाँ हो तुम? पूर्वी सचिन अपना मुंह बंद रखना। पूर्वी 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 हाथ दो घबरा घबरा मत घबरा आ जाओ ऊपर आ जाओ बाजू रंग आ जाओ घबरा मत घबरा मत। अभिजीत I'm so sorry मुझे पता नहीं था कि दरवाजा खुलने से ये तीर लग जाएगी तुम्हें। खून बहुत निकल रहा है। एक मिनट एक मिनट संभाल के उस चूहे को मैं छोड़ूंगा ना। एक काम करते हैं जल्दी से यहां से निकलते पहले चलो। धुआ ये तो वही धुआ है इसकी वजह से निखिल और फ्रेडी का दिमाग चकरा गया था। चलो जल्दी चलो अभिजीत क्या हुआ? चलो क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अभिजीत ये कर क्या रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत यार
सुजीत, अपने दोस्त पे हाथ उठा रहे, क्या हो, क्या क्या तुम्हें? दोस्त नहीं, दुश्मन है मेरा, तो दुश्मन मुझ पर तीर चला के मुझे मारना चाहता था, हैं? अरे यार, तू क्या? अभिजीत मैं, जीत, ये क्या कर रहे हो यार? अभिजीत, देखो मैंने, अभिजीत, क्या? अभिजीत, क्या कर रहे हो? होश में आओ अभिजीत। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो अभिजीत। अभिजीत। ये पंगू, ये हो क्या रहा? अभिजीत और दया सर गायब है, और वो नकाब पोश धुआं छोड़कर सबको जानवर बना रहा है, और यहाँ के मेहमान एक एक करके मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग इस हवेली से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, ये अनदेखा दुश्मन हमारे साथ क्या करना चाहता है, कौन सा खेल खेल रहा है? चुप, चुप हो जाओ। क्या बुद्धि लो ये सी बातें कर रहे हो? भूल गए को तुम लोग सीआईडी ऑफिसर तो भूल गए? अरे है कौन ये मास्क वाला दुश्मन? इससे भी बड़े बड़े दुश्मनों से सामना किया हमने, समझे? एक साथ मिलकर ढूंढ निकालेंगे कोई रास्ता। सर, तारिका कहाँ है? तारिका कहाँ है मतलब? तारिका, 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 तारिका। अभिजीत, ये छोड़ो, अभिजीत, सारे के सारे सीआईडी ऑफिसर कहाँ चले गए? सर, तारिका जी को लेकर आए नहीं सर। वही तो समझ में नहीं आ रहा, हुआ क्या है? सर, मैं जाके देखूं। जाओ देखो, संभाल के लेके। हाँ सर। दया?
हुआ क्या? हाँ, ये सब कैसे हुआ? कहीं दया पर उस नशीली धुआं का असर तो नहीं हो गया? क्या तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, अभिजीत कहाँ है? क्या हुआ अभिजीत को? यार सांगे, क्या? मुझे लगता है दया को ड्रग का असर हो गया। तुम यहीं रहो। अरे यार लेकिन दया। अरे अभिजीत को मारा और पंकज को चलो, मैं आ गया हूँ, बचा लूंगा सबको। चलो प्लीज बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। क्या रो क्यों रहा है ये पंकज? दया, दया मर चुका है सर, इसे एसीपी ने मार दिया। दया प्रदुमन ने क्या किया? दया ने पहले अभिजीत को मारा था और अब पंकज को मारा है। ये आदमी पागल हो गया सर, अपनी पावर के नशे में। चुप, चित्रों लेके चमचे। या मैं तुम्हें गिरफ्तार करता। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा मुझे। मैं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज शांति बचा लीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम जैसे पागल को तो कभी नहीं दूंगा। अरे ये मत सर, संभाल के सर। यहाँ आए क्यों? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं गोली चला दूंगा। गोली तो मैं चलाऊंगा तुम पर चित्रोले। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। एसीपी साहब, सर, सर आपने एसीपी साहब को मार दिया। अरे तुमने देखा ना, उसने मेरे ऊपर पहले गोली चलाई। पर आपको तो फांसी हो जाएगी सर। चुप, फांसी हो जाएगी। चलो नीचे सर, चलो। ए, गेट अप। ये आपने अच्छा नहीं किया सर। छोड़ो, ये अच्छा नहीं किया। हम इसी पी सर भी अपनी जान भी दे सकते थे। ठीक है ठीक है, चलो चलो। ए, गेट अप, चलो चलो नीचे। एसी पी अप, एसी पी रो मत। चलो सब लोग चलो नीचे, चलो 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 चलो। एक नहीं कर रहा हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक नहीं कर रहा हूं। बाहर के दरवाजे भी बंद हैं। सारे दरवाजे बंद हैं। ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब मैं चाहूंगा। इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं। अबे तू है कौन?
कोई फायदा नहीं किसी भी, कोई फायदा नहीं। मेरे प्लान में तेरी मौत नहीं लिखी थी, बल्कि मुझे तो सारी की सारी सीआईडी का सफाया करना था। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। तू आना सामने। अब दो सेकंड के बाद में इस कमरे में चारों तरफ से गैस आएगी और तुम सब लोग तड़प तड़प के मर जाओगे। ए, रुक 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 जे। अरे तेरी तेरी दुश्मनी तो सीआईडी से है ना, इनसे क्या दुश्मनी है? मैंने छोड़ दू, मगर मेरी एक शर्त। क्या शर्त? एक सीआईडी ऑफिसर की मौत और दो लोगों की आजादी। ए, ये क्या मजाक है? ये क्या बकवास कर रहे हैं? डीसीपी चित्रोले, मैं पांच तक गिरूंगा। मेरे पांच गिनने तक अगर पहला ऑफिसर नहीं गिरा तो इन सब की लाशें बिछा दूंगा। दो तीन चार। क्या ठीक है? ठीक है, मंजूर है। मतलब मतलब तुम हमको मार दोगे? ठीक है, मार दूंगा। सर, आप अपनी ड्यूटी निभाइए सर। आई एम सॉरी, डू इट सर, डू इट। वेरी गुड डीसीपी चित्रोले, वेरी गुड। अब तुम लोग बाहर जा सकते हो। चुप, जयंत और किमी दोनों जाओ। चलो डीसीपी, अब देखिए आपका अगला शहीद सीआईडी ऑफिसर कौन। ऐसा नहीं है तो भी नहीं जीता सर। गोली मार दीजिए सर। ऑफिसर नंबर दो को मारो। गोली चलाइए सर। निखिल, मजा आ गया। आई एम हैप्पी, तुमने मुझे खुश कर दिया डीसीपी चित्रोले। आई एम हैप्पी। अब भाई और शीना तुम दोनों जा सकते हो। डीसीपी
अभी तो तुम्हें और दो लोगों को मारना है। चार लोग बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं डीसीपी चित्रोले। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं डीसीपी? सर, मैं मरने से नहीं डरती। रुक क्यों गए डीसीपी? चलाओ गोली। अरे ये मेरे बेटे जैसे हैं। यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी का बेटा होता है, बेटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम आपके पैर पड़ते हैं सर। सर, शूट कीजिए सर। चित्रोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कमजोर नहीं देखा। मेरे हाथ में गन होती तो मैं तुम्हें तुरंत गोली मार देता। एक मिनट के लिए नहीं सोचता कि तुम मेरे डीसीपी हो। हाँ सर। शूट योरसेल्फ। मारो। क्या हुआ समीर? तुम जिंदा हो? यस सर, समीर जिंदा है। अरे डॉक्टर तारिका, तो क्या आप भी मेरी लाश को देखकर ये नहीं बता सकते थे कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं? क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ मुझको आती है। सो हाउ वाज द गेम? ये सारे मरे हुए सीआईडी ऑफिसर जिंदा कैसे होंगे? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, इतना बड़ा धोखा। एक भी सीआईडी ऑफिसर नहीं मरा यहाँ पे। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने मुझे। सीआईडी ऑफिसर शेर है शेर, कोई मच्छर नहीं। ताली बजाओगे हम मर जाएंगे। सर, लगता है ये अपनी हार के सदमे में है। रोने के बजाय हंस रहा है। मैं अपने हार के सदमे में नहीं हूं, अपने जीत के नशे में। बावला हो गया। कहां लगता तो ऐसा ही है। अरे अपनी आंखें घुमा के आसपास तो देखिए। ये तो सब रो रहे थे। और इन लोगों के चेहरों को देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग किसकी टीम में हैं, है ना? बस इतने ही हैं, हाँ? तुम सबको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने ही लोग काफी हैं एसीपी साहब। छोड़ दो समीर को। क्या? अब छोड़ भी तो दिया साहब, कहीं ऐसा ना हो कि नए साल की शुरुआत आप लोगों की मौत से हो। छोड़ दो, दे, छोड़ दो। थैंक्स यार। अब आप सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, राइट? अब मैं एक से दस तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद इन सबको खत्म कर देना। एक, दो,
गिनती सीख रहा है। तीन, चार, पांच। डीसीपी साहब आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूं। छह, सात, आठ, नौ। मेरे गले मत लगा। नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, गोली मत चलाना प्लीज। चलो 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 निकलो, चलो चल। वाह, सीआईडी के साथ खेल खेलने का बहुत शौक था खिलाड़ी है? अब कैसा लग रहा है जब बाजी पलट चुकी है? मैंने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था, एक फुल प्रूफ प्लान। पता नहीं तुम लोग कैसे बच गए। इस प्लान की शुरुआत हुई मेरे और अभिजीत के बीच हाथापाई से। समरसपुरम में कैमरा लगा हुआ। ये क्या हो क्या रहा है? सर हम सबकी जान खतरे में है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, अभिजीत को मुझे मजबूरन मारना पड़ा। क्या? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर चारों तरफ कैमरा लगे हुए सर, वो हमें देख भी सकता है सुन भी सकता है। हम सबको मारना पड़ेगा। ये सब प्लान है, हमें मरने का नाटक करना होगा। चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं। दया सर का प्लान है सर, सबको मरना है। हम लोग इस गलतफहमी में डांस करते रहे कि सीआईडी खत्म होने वाली है, पर हमने इसी का फायदा उठाया, तुम्हारा खात्मा कर दिया। ले जाओ इन सबको। चलो चल। अरे अभिजीत, रेडी, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ अभिजीत। यस सर। जाओ अभिजीत। अच्छा हो गया तुम सब लोग टेस्ट में पास हो गए। हम सब लोग टेस्ट में पास हो गए लेकिन आप फेल हो गए। ये लो, एक तो तुम लोगों को बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, करंट लगने से मैं मर ही गया था। मिस्टर चित्रोले, ये सारा गेम आपका था, आपका, इसलिए आपको यहां आना पड़ा। आपको यहां आना पड़ा क्योंकि आपको पता चल गया ये मामला सीरियस हो गया है, एक दो खून और होने वाले। डीसीपी चित्रोले पे इल्जाम लगा रहे? यस सर। इस बदमाश ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी, डीसीपी साहब अब कहीं और जाइएगा मत, आपके लिए अंदर एक और बड़ा सरप्राइज। ये चिट्ठी मैंने लिखी है? नहीं नहीं, आपने कहा लिखी? ओ, डीसीपी चित्रोले मीटिंग 8 बजे। ये यहाँ कैसे? ये तो अब हो गई ना तो पापा। इस तरह से बात कर रहे हो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें बाद में तथा पापा क्या होता है। अभी मेरा कुछ काम है अंदर जरूरी, पकड़ के आता हूँ जरा। अभी अंदर जाके करेगा क्या? कुछ नहीं, पिछले दरवाजे से भाग जाएगा और क्या। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।